जो लोग चाहते हैं कि पशु क्रूरता ना हो, उसमें दो खेमे मुझे नजर आते हैं। एक खेमा वो है कि भाई नहीं, आपको वीगन होना ही होगा 100%, तो ही सारे जानवर बचेंगे। एक खेमा वो है जिसमें मेरे जैसे लोग हैं जो कहते हैं भाई भागते चोगी लंगोटी से, कि भाई आप वीगन नहीं हो सकते तो वीगनिश हो जाइए, आप चाय नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, चाय पी लीजिए और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कुछ जानवरों की जानें तो बचेंगी। तो आपका इस बारे में क्या मत है? मेरा मत है कि जो जिस सीमा तक जा सकता है उसको वहाँ तक धक्का देना चाहिए, पुश करना चाहिए। उदाहरण के लिए जो लोग अभी बहुत ज़्यादा मांस की या चाय लस्सी की लत में गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हम उनको क्यों कहें कि वीगनिश बनो? क्योंकि वहाँ पर अभी हमारे पास स्कोप है उनको थोड़ा और प्रेरित करने का, समझाने का, ये हल्का सा धक्का देने का, तो पूरी तरह वीगन हो सकते हैं। तो वो एक अलग सेगमेंट हो गया। एक दूसरा सेगमेंट है, अब मान लीजिए वो 50-60 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, जिंदगी उनकी चाय पे कटी है, उनके लिए ये बिल्कुल अकल्पनीय है कि वो बिना दही के पराठा कैसे खा लें या बिना दही के जलेबी कैसे खा लें। वहां पर मैं कहूंगा कि उनको आप कहिए कि चलिए आप एक चरणबद्ध, एक स्टेप वाइज अप्रोच लीजिए, क्या कि चलिए पहले आप थोड़ा सा वीगनिश हो जाइए, फिर आप आगे देखेंगे क्या हो सकता है। तो इन दोनों ही अप्रोचेज में हम ये नहीं कह सकते कि एक ही सही है और दूसरी गलत है। कुछ लोगों के लिए ये सही है कि उनको कहा जाए कि साहब आप पूर्ण रूप में एकदम शुद्ध साफ वीगन हो जाइए, और कुछ लोगों को शुरुआत कराने के लिए कहना पड़ेगा कि अगर पूरे तरीके से नहीं छोड़ सकते तो जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो। और ये कुछ लोग जरूरी नहीं कि ये 50-60 के ही हो, मतलब अगर उनकी आदतें 30 में भी पक हाँ, गई मैं हैं। मान रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन उसमें वो जो सेगमेंटेशन है ना कि किसको हमें कहना है कि देखो भाई इंसाफ इसमें है कि तुम तो पूरे तरीके से छोड़ दो, और किसको हमें कहना है कि तुम ग्रेजुअल शुरुआत करो, वो सेगमेंटेशन हमारे दिमाग में बहुत साफ होना चाहिए, और वो निर्णय हमें बड़ी बारीकी से करना पड़ेगा। क्योंकि तराजू का पलड़ा एक तरफ को, किसी तरफ को भी झुक गया तो गलत है। अगर हमने सबको कह दिया जबरदस्ती कर करके कि सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, तो फिर वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उल्टे ये जो पूरा आंदोलन है शुद्ध शाकाहार का, वो इसको बदनाम और करेंगे। क्योंकि इंसान अपने ऊपर गलती मानता नहीं, और वो नहीं छोड़ पाएंगे तो कहेंगे हम इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये बात ही बचकानी है, वो कॉन्सेप्ट को ही विलिफाई कर देंगे। दूसरी ओर अगर हमने सबको ये कह दिया कि कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है पूरी तरह वीगन हो जाने की, तुम वीगनिश हो जाओ, तुम थोड़ा बहुत छोड़ दो, तो आदमी का मन तो चाहता ही है कि बस थोड़ी सी उसको छूट मिले, थोड़ी अलाउंस मिले, और वो उसमें बेईमानी कर जाए। आप उनसे कहेंगे चलो तुम थोड़ा बहुत छाछ दूध लस्सी ले लेना, वो थोड़े बहुत के नाम पे वो पूरा ही झाड़ देगा। तो जो पशु क्रूरता के विरुद्ध हमारा आंदोलन है, आपको लगता है इसमें दोनों ही खेमों की जरूरत है, बिल्कुल वीगनिश के भी बिल्कुल और वीगन के भी? बिल्कुल।